नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहा मेरे साथ, मैं हूं शंकर दत्त पंत। देश में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की खूब बातें होती है, लेकिन जब न्यायपालिका ही सवालों के घेरे में आ जाए तो सवाल कई सारे उठते हैं। इस बात का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पटना हाईकोर्ट के जज जस्टिस राकेश कुमार ने अपने सीनियर और माथतों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज राकेश कुमार ने कहा है कि लगता है कि हाईकोर्ट प्रशासन ही भ्रष्ट न्यायिक अधिकारियों को संरक्षण देता है। आज बात होगी इसी मुद्दे पर। पटना हाईकोर्ट के जस्टिस राकेश कुमार के सभी केसों की सुनवाई पर तत्काल प्रभाव से इसके बाद रोक लगा दी गई है। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने नोटिस जारी कर यह कहा है कि जस्टिस राकेश कुमार किसी भी केस की सुनवाई नहीं कर सकेंगे। जस्टिस राकेश कुमार के सिंगल बेंच के सभी केसों की सुनवाई पर रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक जस्टिस राकेश कुमार सिंगल बेंच की केसों की सुनवाई नहीं कर सकेंगे। हालांकि डबल बेंच की जिन केसों में वो शामिल हैं उनकी सुनवाई वो कर सकेंगे। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस राकेश कुमार ने वरिष्ठ जजों और हाईकोर्ट प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए बुधवार को कहा था कि राज्य की निचली अदालतों के भ्रष्ट न्यायिक अधिकारियों को संरक्षण मिल रहा है। जिस अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामले में बर्खास्त होना चाहिए उस अधिकारी को मामूली सी सजा देकर छोड़ दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि जस्टिस राकेश कुमार की तल्ख टिप्पणी के मद्देनजर अब यह कदम उठाया गया है। तो पटना हाईकोर्ट में जस्टिस राकेश की तरफ से भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद 11 सदस्यीय बेंच ने जस्टिस राकेश कुमार के कल के फैसले को खारिज कर दिया है। पटना हाईकोर्ट के जस्टिस राकेश कुमार ने कई गंभीर आरोप कोर्ट की कार्यप्रणाली पर और अपने सीनियर्स पर लगाए थे। हाईकोर्ट के सीनियर जज राकेश कुमार ने यह कहा था कि लगता है कि हाईकोर्ट प्रशासन ही भ्रष्ट न्यायिक अधिकारियों को संरक्षण देता है। उन्होंने ये सख्त टिप्पणी पूर्व आईपीएस अधिकारी रमैया के मामले की सुनवाई के दौरान की। इस दौरान जस्टिस राकेश ने यह सवाल भी उठाए कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की जमानत खारिज होने के बाद निचली अदालत ने रमैया को बेल कैसे दे दी है। जज राकेश कुमार ने कहा था कि रमैया की अग्रिम जमानत की याचिका हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी, तो इन्होंने निचली अदालत से अपनी जमानत मैनेज की, वो भी तब जब निगरानी विभाग के नियमित जज छुट्टी पर थे। उनके बदले जो जज प्रभार में थे उनसे जमानत ली गई। जस्टिस राकेश कुमार ने यह भी कहा कि जिस न्यायिक अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप साबित हो चुका है उसे भी बर्खास्त करने के बजाय मामूली सजा देकर छोड़ दिया जाता है। ऑनरेबल जस्टिस राकेश कुमार अपने आदेश में जो भी लिखे हैं और उसके बाद पटना उच्च न्यायालय का जो भी आदेश है, दोनों अगर न्यायपालिका एवं न्यायहित में है तो निश्चित रूप से अच्छी बात है। जो भी पटना उच्च न्यायालय में हो रहा है निश्चित रूप से न्यायाधीशों एवं न्यायपालिका की गरिमा के अनुकूल नहीं है। ये न्यायपालिका के मामले में अब देखिए, पिछले काफ़ी दिनों से आप देख रहे हैं कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उसके खिलाफ ये भ्रष्टाचार के मामले में लोग जज ही ये बात को उठाने लगे हैं। सबसे पहले जो सबॉर्डिनेट कोर्ट में जो निचली अदालतें जिला अदालतें थीं इसके बारे में तो भ्रष्टाचार की बातें आम होने लगी थी, लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मामले में भ्रष्टाचार की बातों को बारे में इतनी चर्चा नहीं होती थी। लेकिन ये चर्चा बाहर से लोग इसलिए नहीं करते थे कि आप कंटेम्प्ट का डर होता था हमेशा कि न्यायपालिका में अगर कोई बात उठाएंगे तो हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट का आरोप लग जाएगा। फिर भी कंटेम्प्ट के डर के होने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने न्यायपालिका के भ्रष्टाचार के बारे में आवाज़ उठाया। मैं तो जज भी, लेकिन जज जब बात उठाता है तो उसकी एक अलग गंभीरता हो जाती है। देखिए, मैं तो खुद ही न्यायाधीश था जिला न्यायालय में, तो उस समय मैंने 1987 में एक किताब लिख के न्यायपालिका के भ्रष्टाचार के बारे में उठाया था। उसके बाद फिर बाद में भी उठाया 96 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ। तो ये बाद में आप देखिए कि अभी लखनऊ में कुछ दिन पहले ये पांडे जी ने, न्यायाधीश थे, उन्होंने भी
ये बात उठाई कि साहब न्यायपालिका में हाईकोर्ट जज थे कि हाईकोर्ट के जजेज में भ्रष्टाचार है और उनमें आपस में परिवारवाद है। ये आप पटना का मामला देखिए, एकदम ताज़ा मामला, तो उसमें भी सीनियर जज हैं, सीनियर मोस्ट जज हैं और चीफ जस्टिस के बाद दूसरे नंबर के जज हैं, उन्होंने भी बात उठाई कि न्यायपालिका में हाईकोर्ट में भ्रष्टाचार है, सबॉर्डिनेट कोर्ट में भ्रष्टाचार है। तो मेरा बिल्कुल आपका सवाल सही है कि ये जब न्यायपालिका के जब भ्रष्टाचार उठते हैं तो न्यायपालिका को भी उतने ही गंभीरता से इस सारे मामले को देखना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका तो में तो और गंभीरता से देखना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका के में तो लोगों की आस्था का सवाल है ना। प्रशासन व्यवस्था में ऐसे नहीं है कि उसमें आस्था का सवाल है, प्रशासन में लोग मान के चलते हैं कि इसमें गड़बड़ियाँ होती हैं, इसमें लोग जानबूझ के लोगों को परेशान करते हैं, जानबूझ के भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन न्यायपालिका एक आस्था का सवाल है और आस्था के सवाल के मामले में मैं समझता हूँ कि ये निश्चित रूप से जहाँ जहाँ भी आस्था का सवाल है वहाँ बड़े सख्त रूप से उस कार्रवाई करनी चाहिए और न्यायपालिका को निश्चित रूप से इसको अगर वो नहीं करती है तो ये न्यायपालिका में एक बहुत बड़ा दोष है, सुप्रीम कोर्ट में भी होना चाहिए, हाईकोर्ट में भी होना चाहिए। तो जस्टिस राकेश कुमार ने 26 साल तक वकालत की है, केंद्र सरकार और बिहार सरकार के वकील रहे हैं, दिसंबर 2009 में हाईकोर्ट के एडिशनल जज बने, अक्टूबर 2011 को स्थायी जज बने। जस्टिस राकेश 31 दिसंबर 2020 को अब रिटायर्ड होंगे। जस्टिस राकेश ने वकील रहते लालू को जेल पहुंचाया था, तो ये उनका पूरा जो एक तरह से कह सकते हैं कि कार्यकाल रहा है, किस तरह से और कौन है जस्टिस राकेश कुमार, ये हम आपको बता रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं न्यायपालिका पर कब कब सवाल उठे हैं। दरअसल नवंबर 2010 की अगर बात करें, गुजरात में न्यायपालिका का भविष्य संकट में है, जहां पैसे के बल पर कोई भी फैसला खरीदा जा सकता है। एसजे मुखोपाध्याय मुख्य न्यायाधीश गुजरात हाईकोर्ट के, जिन्होंने इस बात का जिक्र किया था। 16 अप्रैल 2011 पर जाइए, जजों को सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्ति के लोभ से भी बचना चाहिए, क्योंकि नियुक्ति देने वाला बदले में उनसे अपने फायदे के लिए निश्चित ही कोई काम करवाना चाहेगा। ये जिक्र किया था न्यायमूर्ति एस एच कपाड़िया ने। इसके अलावा 23 जनवरी 2017 का अगर हम जिक्र करें, जस्टिस सी एस कर्ण ने प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के 20 जजों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जांच कराने का अनुरोध किया था। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं, जब लगातार कोई मसला पहला नहीं है, इससे पहले भी लगातार सवाल जो उठे हैं, तमाम जो जजों ने उठाए हैं उसका भी हमने आपसे जिक्र किया है। दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ स्टूडियो से, उनका रुख कर लेते हैं। सीबी पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व न्यायाधीश हैं, इस मुद्दे पर उनसे बातचीत करेंगे। राज बहादुर सिंह यादव वरिष्ठ अधिवक्ता भी हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं, दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं सीबी पांडे जी आप ही के पास आता हूँ, मामला बहुत गंभीर है अपने आप में, क्योंकि आप लगातार इस ऐसे मामलों को देखते आए हैं, किस तरह से आप इस पूरे प्रकरण को देखते हैं? जस्टिस राकेश कुमार के जो फैसले को खारिज किया गया है आज और उन्होंने जो सवाल उठाए हैं, जो आरोप लगाए हैं, क्या कहेंगे उस पर आप? पहली टिप्पणी आपकी चाहेंगे आज। देखिए भाई, राकेश कुमार के जो फैसले हैं वो तो एक न्यायिक प्रक्रिया उन्होंने अपनाया, जिसको कि ये चीफ जस्टिस और 11 जजेस ने मिलकर ये कहा कि उन्होंने प्रक्रिया के हिसाब से काम नहीं किया है और उनके आदेश को सुनवाई किए और सुनवाई करने के बाद उस आदेश को उन्होंने स्टे कर दिया और उसके खिलाफ कहा कि ये इसका कोई प्रभाव नहीं होगा और यहाँ तक कहा कि इस आदेश में जो बातें लिखी गई हैं इसकी कहीं चर्चा भी नहीं की जाएगी, यहाँ तक भी कहा उसने। एक तो एक बात है, लेकिन एक बात समझने के लिए और पूरे देश के लोगों को समझने की ज़रूरत ये है कि आखिर में क्या बात है कि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस सिटिंग जज हैं, ऐसा नहीं है कि रिटायर्ड जज लोग, ये सारे लोग अब हाई कोर्ट के कार्यप्रणाली पर, सुप्रीम कोर्ट के कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं कि ये यहाँ भ्रष्टाचार है, चीज़ें ठीक से नहीं चल रही हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जो ऐसा होना चाहिए न्यायपालिका को जो कि जीरो टॉलरेंस यहाँ होना चाहिए, किसी तरह का पक्षपात नहीं होना चाहिए, किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये सारी बातें जो उठने लगी हैं निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, तो ये क्या लगता है कि इस माहौल में, इस डेमोक्रेसी के माहौल में, डेमोक्रेसी जिस देश में, भारत की अगर डेमोक्रेसी को फलना फूलना है तो सबसे बड़ा अगर कोई इंस्टीट्यूशन है जो कि इस डेमोक्रेसी को मजबूती से आगे बढ़ा सकता है वो है जुडिशरी,
क्योंकि हर चीज को जुडिशरी को देखना है कि नेताओं के भ्रष्टाचार को देखना है, अधिकारियों के भ्रष्टाचार को देखना है, सारे रूल ऑफ लॉ का इन्फोर्समेंट ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये सब उनको देखना है, सारी बातें उनको देखनी है जुडिशरी को। अब जहाँ जिसको देखना है, जिसको एक तरह से अपनी तीसरी आँख से सब कुछ देखना है कि ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, वही उसके खिलाफ अगर विश्वास लोगों का घटेगा, उसके प्रति शंका पैदा होगी, तो लोगों के पास डेमोक्रेसी के प्रति क्या होगी। तो एक बड़ा भारी चैलेंज है डेमोक्रेसी के लिए अगर न्यायपालिका के खिलाफ इस तरह की बातें उठती हैं। देखिए आपने ने भी दिखाया कि ये आज पहली बार नहीं उठ रहा है, मैंने तो 87 में एक, जैसा कि आपने इंगित भी किया है, 40 साल किताब लिखे इस न्यायपालिका के भ्रष्टाचार के बारे में, 87 बहुत दिन हो गया, मैंने सवाल उठाया था, हमने कहा था कि अभी भी समय है इसके सुधार की कोशिश की जाती, कोई सुधार ऐसा नहीं हुआ कि जिसको आप कहें कि न्यायपालिका में बड़ा सुधार। उसके बाद एक के बाद एक हाईकोर्ट के जजेज उठाने लगे, उसके बाद यहाँ लखनऊ में रंगनाथ पांडे ने डिटेल लिखा उसके पत्र में और चीफ जस्टिस को भेजा, प्राइम मिनिस्टर को भेजा, खैर प्राइम मिनिस्टर के यहाँ से कोई टिप्पणी नहीं आई। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर में गवर्नमेंट से इस पर रंगनाथ पांडे के मामले में टिप्पणी क्यों नहीं। उसी तरह ये मामला गया है अभी बिल्कुल एक सीनियर मोस्ट जज, ये भी नहीं कि कोई अभी जूनियर मोस्ट जज हों, सीनियर मोस्ट जज जो चीफ जस्टिस होने वाले होंगे ये वो लिख रहे हैं कि किस तरह से न्यायपालिका हाईकोर्ट अपने सबॉर्डिनेट जज को बचा रही, और बहुत साफ साफ लिखा। तो जब इन्होंने इतनी गंभीर बात लिखी तो वो तो जो उनके आदेश के पर क्या कार्रवाई करनी है वो किया एक अलग बात, लेकिन जो बात उठाया है उससे आँख मत बंद करिए। पूरे देश के लोगों को मैं कह रहा हूँ कि इन चीज़ों को जो बार बार उठ रही है, आँख मत बंद करिए, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे देश के राष्ट्रपति हो, लॉ मिनिस्टर हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लोगों, बैठ के बहस करें। और अब वक्त बहुत ख़राब होता जा रहा है, अगर बहस नहीं कर गए पार्लियामेंट में, स्पेशल सेशन बुला में बहस करें कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है, और इन बातों को ठीक करने की जरूरत है, अन्यथा ना डेमोक्रेसी, ज्यूडिशरी तो जाएगी जाएगी, डेमोक्रेसी भी देश से खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात सीपी पांडे जी आपने कही है, क्योंकि लगातार आप लंबे वक्त से इन तमाम चीज़ों को देखते आए हैं, आपका लंबा अनुभव इस पर भी है। राजबहादुर सिंह यादव जी, मैं आपके पास आता हूँ, किस तरह से आप देखते हैं राकेश कुमार ने जो तमाम चीज़ों का जिक्र किया है, भ्रष्टाचार का मुद्दा न्यायपालिका के अंदर किस तरह होता है, इसके बाद ये तमाम चीज़ें आप हमें दिख रही हैं, और उसके बाद इस फैसले को निरस्त करना, 11 जजों की जो बेंच है वो राकेश कुमार के इस फैसले को पलट देती है, तो क्या ये इससे नहीं कहा जा सकता है कि इस फैसले को निरस्त करना, उन तमाम सवालों को दबाना जिनका जिक्र राकेश कुमार ने किया है? पॉलिटिकल लीडरशिप और प्रशासनिक अधिकारी, इन दोनों के प्रति तो लोगों की का विश्वास उठ चुका। एक न्यायपालिका पे लोग बड़ी अच्छे मन से ये उम्मीद करते हैं अभी भी कुछ लोग कि भाई हमें यहाँ न्याय मिलेगा और ये बचाई रहेंगे, ये अन्याय नहीं होने देंगे। ठीक, लेकिन जो लोग जिला न्यायालय से लेके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी किसी अपने मामले में जाते हैं, जरा उनसे पूछिए कहाँ कितना न्याय मिल रहा है। और ये फोड़ा जो आपका गल रहा है, सड़ रहा है, इसे काट के फेंकना चाहिए, उस पर पाउडर छिड़क करके ऊपर से पट्टी बांध देने से ठीक नहीं होगा। न्यायपालिका में सड़न आ रही है, बदबू आने लगी है, इसको ठीक करना पड़ेगा, जिंदा रखना न्यायपालिका। तो ये नहीं है कि आपने कोई ठीक बात कह रहा तो नहीं माने, जांच करा लो उसकी, भाई कोई जो भी कह रहा है जांच कराने की बात तय करिए कि सही कह रहा है गलत कह रहा है। आपने जो भी कुछ कोई कहना चाह रहा है तो आपने पता लगाया तो उसको आपने, आपका अधिकार है कि आप उससे काम छीन लीजिए, छीन लिया आपने काम, आपका ऑर्डर रोक दिया, ऑर्डर भी रोक दीजिए। ये जो निरंकुशता आ रही है, जो इससे जनता में न्यायपालिका की गरमा गिर रही, बढ़ नहीं रही है, और अब हालत तो ये हो गई, हम कोई सोच सकता था कि सुप्रीम कोर्ट के चार चार न्यायाधीश जनता अदालत में कहेंगे कि भाई जनता देखे हम क्या हो रहा है। तो जब सुप्रीम कोर्ट से बात शुरू हुई, अब हाई कोर्टों पे आ गई है, तो बात तो लगा कि इस फोड़े को तो काट के फेंकना पड़ेगा, इस पर सख्ती करनी पड़ेगी, ये इस पर पाउडर लगा के पट्टी बांधने से काम नहीं चलेगा, इससे तो और बिगड़ेगी स्थिति, लोगों के मन में और खराबी आएगी, अविश्वास और बढ़ेगा, और बढ़ गया तो डेमोक्रेसी कहाँ बचेगी, कहाँ जाएगी, बहुत चिंता का विषय है। तो बिल्कुल चिंता का विषय आप कह रहे हैं, इससे जो विश्वास है न्यायपालिका पर लोगों का, जाहिर तौर पर भरोसा कम होगा, और बार बार ऐसे मामले, कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी लगातार ऐसे तमाम सवालात उठ चुके हैं। आप दोनों मेहमान हमारे साथ लगातार बने रहेगा, छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकना पड़ रहा है, जल्द हाजिर हो रहे हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मुद्दा बड़ा है और लगातार गंभीर हैं तमाम जो सवाल उठते हैं। सवाल ये भी उठता है कि आखिर न्यायपालिका पर बार बार सवाल क्यों उठते हैं। इससे पहले भी तमाम ऐसा जो जिनका हमने जिक्र किया, चीफ जस्टिस जो सवाल उठा चुके हैं पहले भी कार्यप्रणाली को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर, लेकिन ये सवाल यही है आज का कि आखिर जब देश की अदालतों पर ही सवाल उठेंगे, न्यायपालिका पर ही सवाल उठने लगेंगे तो भरोसा क्या कम होगा। इससे दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए, राज बहादुर जी बने हुए हैं, सीबी पांडे जी बने हुए हैं। सीबी पांडे जी, मैं आपके पास आता हूं। सवाल यह है कि जब इस पूरे मामले को लेकर बातचीत चल रही थी, स्टिंग को लेकर यह पूरा मामला है, इसमें आज जिस चीज का जिक्र राकेश कुमार ने किया, सीबीआई जांच के आदेश दिए थे और उसी आदेश में कहा गया था कि इस आदेश की जो कॉपी है सीबीआई डायरेक्टर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजी जाए, लेकिन आज देखिए आप क्या हुआ, 11 जजों की एक बेंच बैठती है जिसमें कहा गया कि इस नोटिस और इस फैसले की जानकारी किसी को नहीं दी जाएगी। इस बात से क्या मतलब निकाला जाए। सवाल दूसरा मेरा यह है कि जब न्यायपालिका में कार्यरत लोग हैं उनके ऊपर जब भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं सर, तो उन आरोपों को इतनी गंभीरता से क्यों नहीं लिया जाता है। आज हमने देखा जिन चीजों का जिक्र राकेश कुमार ने किया उसमें भी हमें कुछ इसी तरीके की स्थिति नजर आ रही है। नहीं, ये एक विडम्बना है कि आपको प्रिविलेज मिला है, मान लीजिए हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को या पूरी न्यायपालिका को, ये एक बहुत बड़ा विशेषाधिकार है और विशेषाधिकार ये है कि आपने वो जो भी आदेश पारित करें उनकी चुनौती आप न्याय प्रक्रिया में दे सकते हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट के किसी आदेश को आप प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को लड़ सकते हैं, ऐसा तो व्यवस्था है नहीं। अगर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया तो सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास करता है तो अपने ऑर्डर को वही रद्द कर सकता है या उसका पुनर्निरीक्षण कर सकता है। तो ये जुडिशियल ऑर्डर जितने हैं उसकी तो पुनर्निरीक्षण उन्हीं न्यायाधीशों को ही करना है। अब ये एक जुडिशियल ऑर्डर से उन्होंने पास किया, अब एक जुडिशियल ऑर्डर को उनको ठीक है, उनको रोकने का पावर है, लेकिन अगर उस ऑर्डर की कॉपी देखिए आप उसके ऑर्डर की क्या कार्रवाई हुई है, उसके क्या ऑपरेशंस हैं, उसको आप स्टे कर दीजिए, लेकिन जो बात उठाई है उसका तो कॉग्निस लेना चाहिए। क्या हिसाब 11 जजेस ने ये तो कहना चाहिए कि भाई जो इन्होंने बात उठाई है इसके बारे में अलग से उनसे पूछ लिया जाए, अगर अलग से कोई कंप्लेंट देते हैं चाहे अलग से कोई मामले से जाँच करके देखा जाए कि अगर सच्चाई है तो इस मामले को आगे बढ़ाए। अब आपने एकदम ब्लैंकेट कर दिया कि जो बात उन्होंने उठाई है बिल्कुल उस पर अब चर्चा ही ना हो, बहस ही ना हो, तो मैं समझता हूँ कि इससे कोई न्यायपालिका की गरिमा बढ़ती नहीं है, बल्कि इसे न्यायपालिका पर सवाल और उठते हैं कि अपने मामले में तो आप ऐसा करते हैं जैसे आप उठा भी रहे हैं कि अपने मामले जो उठाए जाते हैं तो आप लोग उसको किनारे कर देते हैं, और बाकी जिसके लोगों के मामले हैं, अगर पॉलिटिशियन के मामले आए, जर्नलिस्ट के मामले आए, आम आदमी के मामले आए, तो गवर्नमेंट सर्वेंट के मामले आए तो बढ़ चढ़ के एक्टिव हो जाते हैं कि उनके भ्रष्टाचार को पकड़िए, सीबीआई लगाइए, तुरंत गिरफ्तार करिए, ये सारी आप एक्टिविटी करते हैं। लेकिन जब अपने मामले होते हैं, जैसे आपको याद दिलाता है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मामला उठा था तो उसमें भी कुछ इसी तरह कोशिश की गई। अब ये बात अलग है कि वो मामला खत्म हो गया, लेकिन इस तरह की कोशिश वहाँ भी हुई थी कि इस मामले को ऐसा ना हो कि पब्लिक डोमेन में जाए और पब्लिक डोमेन में इस पर बहस हो, उस मामले को वहीं का वहीं खत्म करें। ये बहुत खतरनाक सोच है न्यायपालिका की, मैं बता रहा हूँ। अपने किसी भी मामले को अगर आपने दबाने की कोशिश की तो और रिबाउंड होगा, वो और बढ़ेगा। ये डेमोक्रेसी है, ठीक है सर, किसी को आप रोक नहीं सकते कहने से, आपके अदालत में जाके नहीं कहेगा, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म में जहाँ भी वो मौका मिलेगा कहेंगे लोग, आप कुछ नहीं करते और आपके सम्मान दिन ब दिन घटता जाएगा, जब सम्मान नहीं रहे। बिल्कुल, सम्मान घटता है सीबी पांडे जी, और लगातार ये कोई पहला मामला नहीं है, पहली मर्तबा नहीं है, इससे पहले भी लगातार जब थोड़ी देर पहले हमने उदाहरण भी दिया था, तमाम ऐसे जजों ने सवाल पहले भी उठाए हैं। सवाल यही था कि न्यायपालिका पर सवाल जो उठ रहे हैं आखिर उस पर विराम कब लगेगा, क्या इससे जो निष्पक्षता है, जो विश्वास है, वो कम नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद राज बहादुर जी, सीपी पांडे जी, आप हमारे साथ जुड़े। फिलहाल आज के मुद्दा में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।